हरिद्वार में जो कुछ हुआ, जिस तरीके से वहां भाषणबाजी हुई, जिस तरीके की बयानबाजियां आई, राहुल जी आप कैसे उसको देखते हैं? क्या मुनव्वर फारूकी का अपराध बड़ा था या जो धर्म संसद में जो बातें कहेंगी वो बड़ी है और दहलाने वाली बात है? नहीं, जो हरिद्वार में हुआ है उसके मुकाबले फारूकी का जो मामला है वो छोटा पड़ जाता है। हालांकि अपने आप में वो एक बहुत बड़ा मामला है और उस समय भी मैंने उसका बहुत विरोध किया था। उसकी गिरफ्तारी का कोई तुक नहीं था और उसको जिस तरह से कानून का दुरुपयोग किया गया उसको बंद करने के लिए, वो शर्मनाक है भारतीय लोकतंत्र के लिए। लेकिन हरिद्वार में जो हुआ है ये तो मेरे लिए अकल्पनीय था। मैं समझता हूँ हम सब जितने लोग यहाँ बैठे हैं हम ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि भारत में कोई एक तथाकथित एक धर्म संसद ऐसी होगी या कोई भी संसद हो, कोई सभा हो, जहाँ पर खुलेआम इस तरह के भाषण दिए जा सकते हैं, जहाँ नरसंहार के आह्वान किए जा सकते हैं, जहाँ एक पूरे धर्म को, इस्लाम को और मुसलमानों को खत्म करने की बातें की जा सकती हैं, एक पूर्व प्रधानमंत्री को संसद के भीतर गोलियां मार देने की बात की जा सकती है। ये सपने में भी, हमारे किसी दुस्वप्न में भी ये नहीं आ सकती थी कि ये भी संभव हो सकता है, लेकिन वो हो गया है। तो ऐसा हो जब हो गया तो वो अधर्म संसद है। मैं तो उसको पहली बात, धर्म संसद नाम ही हमारे धर्म को अपमानित करना, इस शब्द का दुरुपयोग है। वहां जो हुआ उससे बड़ा कोई अधर्म और उससे बड़ा अहिंदू काम और विचार कोई हो नहीं सकता। ये लोग अगर धर्म गुरु हैं हिंदुत्व के तो ऐसे फिर धर्म मैं नहीं जानता क्या है, मैं ये भी नहीं जानता कि हिंदुत्व क्या है। मेरे पास शब्द कम पड़ रहे हैं इन लोगों के लिए, ऐसी सोच के लिए। ये तालिबान की तरफ जाने वाली सोच है ये। लेकिन उतना ही आश्चर्यजनक है इन पर अभी तक कोई कार्रवाई ना होना। और एकमात्र जो FIR हुई है वो वसीम रिजवी, जो शायद जितेंद्र नारायण या जितेंद्र त्यागी हो रहे हैं, उनके खिलाफ हुई है। और अभी तक जितने वीडियो सामने आए हैं जो मैंने देखे हैं 5-6, उनमें एक भी वीडियो इनका जितेंद्र सिंह साहब का नहीं है। वो सारे धर्मगुरुओं का है जो भगवा पहने हुए हैं और इसमें एक साध्वी भी है। तो इन लोगों के बारे में इन्होंने जो भाषण दिए वो अब सारा देश, सारी दुनिया देख चुकी है। तो हम ये मान सकते हैं कि शायद वो उत्तराखंड पुलिस ने भी देखा होगा, उत्तराखंड के गृह मंत्री और गृह सचिव और वहां की सरकार ने भी देखा होगा। तो उनका लेकिन कोई, जैसा आपने कहा, कोई बयान नहीं है, कोई संकेत नहीं है कि कोई कार्रवाई वो करेंगे कि नहीं करेंगे। उन्होंने संज्ञान भी इसका लिया है कि नहीं ये भी मालूम नहीं है, क्योंकि वो FIR हुई है वो किसी ऐसे व्यक्ति के खिलाफ हुई है जिसने बोला ही नहीं है, कम से कम अभी उसका कोई बयान सामने नहीं आया जी। और इसमें एक बात यह भी गौर करने की है कि ये 3 दिन संसद तथा कथित धर्म संसद वहां हुई, उसकी पूरी तैयारी की गई होगी, उसके लिए लोगों को बुलाया गया होगा, उसके लिए लोगों को संपर्क किया गया होगा, वहां पे कम से कम 200-300 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं, उसकी तैयारियां की गई होंगी। तो स्थानीय पुलिस को, लोगों को इसकी जानकारी ना रही हो ये नहीं माना जा सकता। उसके बावजूद वो हुआ, 3 दिन तक निर्विघ्न हुआ, कोई संकट नहीं, कोई रुकावट नहीं हुई, कुछ पता नहीं चला किसी को। तो लगता है कि आयोजकों को ये विश्वास था कि उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके उनके इस सम्मेलन और आयोजन में कोई बाधा नहीं आएगी, और वो उनका विश्वास वही साबित हुआ। और उसके बाद किसी कार्रवाई का अभाव भी इस विश्वास को साबित करता है। तो इससे बहुत बड़े बड़े सवाल निकल रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस समय भारत के सामने जो बहुत ज्यादा विकट प्रश्न खड़े हो गए हैं उनमें ये शायद सबसे बड़ा प्रश्न मेरे लिए। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।